गोदाम डाउन एक्सप्रेस की एसएलआर बोगी के पहिए पटरी से उतर गए। फिलहाल बड़ी बात यह रही कि इसमें किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर रेलवे के सभी आला अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। वहीं गोरखपुर लखनऊ रेलवे मार्ग पर कुछ समय के लिए बाधित कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोल दिया जाएगा। अभी सबसे पहले तो किसी घायल की कोई सूचना नहीं है। रेलवे विभाग से भी बात हो गई, उनके द्वारा भी बताया गया कोई घायल इस तरह की सूचना नहीं। फिर भी हम लोग एक बार पूरी इसकी सर्च कर रहे हैं। रेलवे की रिलीफ की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे चालू हो गई है। और ये बाघ एक्सप्रेस है जो कि काठगोदाम से हावड़ा की तरफ जाती है। डोमनगढ़ रेलवे स्टेशन है, उससे करीबन 100 मीटर पहले इंजन से जो दूसरा डब्बा है जिसके अंदर लगेज और जो दिव्यांगन का जो बोगी थी उसका जो एक पहिया है वो डिरेल हुआ है। बाकी सब चीज़ें चेक की गई हैं। अभी तक कोई सूचना किसी के हताहत होने का कुछ नहीं है। और बाकी हम लोग जो रिलीफ का काम है वो देख रहे हैं। ये 1 बजे की घटना है। ये गोरखपुर में यहाँ डोमिनगढ़ के पास है, एक बाघ एक्सप्रेस है। उसका तो काठगोदाम से लेके हल्द्वानी तक जाने वाली गाड़ी थी, उसका डब्बा नंबर 2, उसको एक पहिया डिरेल हुआ है। उससे किसी का कोई चोट नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अचानक रेस्क्यू गाड़ी भी आ गया है, उस पर जो पैसेंजर हम लोग उस पर लाद रहे हैं। बाकी जो कहाँ डिरेल हुआ है वो व्हील उसको ऊपर करके उसको लाइन पे लगवा रहे हैं, वो अभी आधे घंटे में सही हो जाएगा। वहीं इस घटना के दौरान ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच कुछ समय तक भय का माहौल बना रहा। यात्रियों का कहना है कि कुछ दूर पहले से ही गाड़ी के चक्के से धूल उड़ना शुरू हो गया था, जिससे यात्रियों ने शोर मचाया और ट्रेन में मौजूद रनिंग स्टाफ की समझदारी से ट्रेन को स्टेशन के कुछ दूर पहले ही रोक लिया गया था। बाद में जानकारी यह हुई कि इंजन से दूसरा डिब्बा जिसमें सामान लदा हुआ था उसका दोनों पहिया डीरेल हो गया था। यहाँ आगे ये मंदिर है, यहाँ पर से ही जो है थोड़ा धूल उड़ रहा था और पत्थर उड़ रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि आग लगी है, लेकिन पूरा भगदड़ मच गया। हम लोग जब उतर के देखे तो पटरी से उतर चुकी थी बोगी। क्या कोई चोटिल भी हुआ? नहीं, किन्हीं को तो चोट नहीं लगा है और कोई हताहत नहीं हुई है। कितने बजे की घटना है और प्रशासन कितने बजे पहुंची थी? ये लगभग जो है अभी से हाँ वही लगभग में प्रशासन कितने कब सूचना मिली? प्रशासन तो जो ट्रेन में स्कॉट टीम थी वो तो तुरंत पहुंची, उन्हीं के सहयोग से ट्रेन ये सुरक्षित है। बच्चराज वर्मा, कहाँ से आ रहे हैं? जिला भैरव थाना मोतीपुर। यहाँ कैसे गाड़ी रुके, क्या कैसे हुए? मैं गोंडा से गाड़ी उठा था, कलकत्ता जा रहा था। मेरा ससुराल है कलकत्ता में। यहाँ 1:20 पे गाड़ी यहाँ पहुँची है। फिर हम लोग खिड़की से देख रहे थे, फिर पट पट करके कुछ आवाज़ हुआ, फिर हम लोग समझ रहे थे कुछ हो रहा था ऐसा। फिर वहाँ से जब गाड़ी रुक गई उसके बाद में देखता है कि वो लाइन उतर गई। उसके बाद में हम लोग देखे 1:35 पे उतर के वहाँ से देखे हम लोग तो देखे का 2 चक्का उतर गया। लड़का बच्चा सब परेशान गाड़ी के अंदर रो रहे हैं बस। क्या प्रशासन से क्या सहयोग, कितनी देर के बाद प्रशासन यहाँ पहुँची थी? प्रशासन पहुँचे के 40 पे यहाँ पे 40 मिनट के बाद रिस्पॉन्स मिल गया। हाँ, क्या कोई चोटिल? नहीं सर, कोई चोट फोट मतलब नहीं खाया हम लोग वो पीछे 2 फ्रेम में थे और दौड़ करके यहाँ पे आगे देखा गया। कुछ चोटिल नहीं हुआ। रेलवे के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। कुछ देर में ही रेल प्रशासन अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए। नहीं, ऐसा है, उलट नहीं गई। 3020 एक्सप्रेस 13020 जो काठगोदाम से हावड़ा के लिए जो बाघ एक्सप्रेस चलती है उसका डोमनगढ़ यार्ड में घुसते समय, एंटर करते समय, चूँकि बहुत कम स्पीड पर थी तो घुसते समय उसके जो फ्रंट SLR है उसकी रियर ट्रॉली के सभी व्हील, चारों व्हील डिरेल हो गए हैं। और वो अब उसको हम लोग रिस्टोर करके काट के और बाकी गाड़ी को वापस रवाना करने की तैयारी कर रहे हैं। बस ये इंसिडेंस है।
कोई इंजरी नहीं है, कोई किसी को कैजुअलिटी नहीं, किसी तरह कोई हताहत नहीं है।